हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वेयर व्हेन एंड हाउ। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या फायदे होते हैं, फिर ADBC का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में पढ़ा कि जो जियोग्राफी होती है वो भी हिस्ट्री पर कुछ न कुछ इफेक्ट डालती है, जैसे कि रिवर वैलीज वगैरह में ज्यादा पीपल का बसना। तो अब स्टार्ट करते हैं द हिमालयाज। द हिमालयाज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन दे गिव इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ। जो हिमालय है हमारे देश में वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है क्लाइमेट यानी ठंडी जलवायु से, और साथ ही साथ में जो इन्वेशन होते हैं मीन्स जो आक्रमण होते हैं नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा से हमारे देश में, उससे भी हमारी रक्षा करता है। इम्पॉर्टेंट पासेस भी यहीं पर हैं, खैबर पास और बोलन पास है, जिसकी वजह से ट्रेड रूट विकसित हुआ बहुत प्राचीन समय में। तो ये सारी बातें हिमालय के बारे में हम जानते हैं जो कि हिस्ट्री में सारी चीजें हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लान्स। द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया एंड हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ये प्लेन है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये बहुत ही ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि ये प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में ज्यादातर लोग बसते हैं, और हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया की हिस्ट्री में माना जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये साउथ के पार्ट में रहता है इंडिया के। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाय द सतपुड़ा एंड विंध माउंटेन रेंजेस, और ये नॉर्दर्न इंडिया को सतपुड़ा और विंध की जो माउंटेन रेंजेस है, जो पहाड़ियां हैं, इनसे अलग करता है साउथ को। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल पोजिशन द डेक्कन प्लेट्यू वॉज इन्वेडेड लेस बाय फॉरेन इन्वेडर्स, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू की जो जियोग्राफिकल पोजिशन, मतलब जो इस जगह पर वो ऐसी जगह पर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेड फॉरेन जो आक्रमणकारी जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रमण नहीं किया। एंड हैंस हैड इंडिगेनियस डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, द चालुक्याज एंड द राष्ट्रकूटाज, और यहाँ पर इसी वजह से बहुत ही खास खास वंश यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट। द ओशन एंड द सीज। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेंसुला एंड इज सराउंडेड बाई वॉटर फ्रॉम थीस साइड। देखिए पेंसुला का मतलब होता है कोई एक ऐसा एरिया जहां पर तीन ओर तो पानी हो और एक साइड में लैंड हो, तो ये ऐसा हमारा इंडिया है, इसीलिए इसको पेंसुला कहा जाता है। और दैट इज द वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल है, इसको वे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप लोग बे कर लीजिएगा। इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में देखिए बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। इसको हम लोग इस बगल में जो मैप दिया हुआ है, इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए इस साइड में आपके ये ईस्ट का साइड है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका ये वेस्ट साइड है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और जो ये वाला साइड है यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से ये थ्री साइड से इंडिया वाटर से घिरा हुआ होने की वजह से ये एक पेंसुला कहलाता है, और इसी वजह से यहाँ पर एक नेचुरल बैरियर्स बन गया है, जिससे कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है, यहाँ की कल्चर है, ये सब कुछ अलग है, और साथ ही साथ में ये प्रोटेक्ट भी करता है इंडिया को। और इस पानी की वजह से इंडिया से ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि पहले के समय में जितने भी व्यापार होते थे वो पानी के रास्ते से ही होते थे। सोर्सेस मटेरियल ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलता है, इसके लिए कई सारे सोर्सेज हैं, कई सारी चीजें हैं, जिसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लिटरेसी मींस रिटन, जिसमें जो लिखे हुए चीजें हैं, और दूसरा है आर्क्योलॉजिकल यानी नॉन रिटन, जो कि लिखी हुई चीजें नहीं है। लिटरेसी में आता है एग्जाम्पल रिलीजियस रिटन बुक्स होती हैं, सेकुलर होती हैं और ट्रेवलर अकाउंट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल में मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, क्वाइंस होते हैं और आर्टफैक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।